टे में की स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ओ -ओ. लंबे समय बाद कुशिल के सेक्टर्स एक एक करके आप पिछले कुछ साल कुशल के लिए बहुत ही खराब आई I मीन mean, सेक्टर के लिए <laughs> कुछ भी बहुत ही खराब रहे थे कुशल पहले आपका आईडी चल गया है टेलीकॉम चल रहा है ऑटो तो चल ही रहा है ऑटो चल ही रहा है नेक्स्ट <laughs> सर टेलीकॉम स्पेस पे आप ही था और ये जो सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया ना क्लास अपार्ट क्योंकि अभी जिस तरह से वोडाफोन आइडिया का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है ना आगे तो काफी और वो सिंपल सा लॉजिक था मैंने ज्यादा दिमाग लगाया अगर हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा फोलोन पब्लिक ऑफर ऐसी कंपनी की तरफ से आ रहा है जिसको लेकर लोगों को डाउट ही है कि जिंदा रहेगी मर जाएगी और एक साल से नहीं एक महीने से एक हफ्ते से कई सालों से डाउट है है ना लेकिन उस फोलोन पब्लिक ऑफर को सात गुना रेस्पॉन्स मिले तो इस सेक्टर की ताकत दिखा रहा है इस वोडाफोन आइडिया के एफपी के दम पे मैंने पूरे सेक्टर की रेटिंग की है और इसलिए मैं बोल रहा हूं दो साल में जो टेलीकॉम सेक्टर पैसा बना के देंगे यहां से शायद ही कोई और सेक्टर बनाए पीएससी मुकाबला कर सकता है बट टेलीकॉम ये बताइए टेलीकॉम पे क्या रिपोर्ट लाए हैं हम देखिए टेलीकॉम पे रिपोर्ट सर मेरी नहीं UBS की यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है और यहां पर बहुत बड़ी बुलिशनेस दिख रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर खासकर जो टारगेट्स इनकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं 13.1 से बढ़ाकर यूबीएस ने वोडाफोन की जो रेटिंग है उसको अट्ठारह रुपए कर दिया है और जो न्यूट्रल की रेटिंग पहले दे रहे थे अब उसको बदलकर उन्होंने सीधा खरीदारी की राय कर दिया है अब इसके पीछे इनकी बड़ी वजह है वो भी मैं आपको हाईलाइट करूंगा बट पूरा का पूरा टेलीकॉम स्पेस अब यूबीएस के रिडार पर आ रहा है बट खास फोकस वोडाफोन आइडिया पर ही यूबीएस का बना हुआ है अब इसके लिए जो तर्क इन्होंने दिए हैं जो टारगेट्स इन्होंने रेज किए हैं रेटिंग अपग्रेड की है उसमें तर्क सबसे पहला तो यही है कि जो सरकारी बकाया से आगे चलकर राहत अगर मिल जा आती है तो 70 से 80 परसेंट तक की आपको इस स्टॉक प्राइस में बढ़त देखने को मिल सकती है तो अपने आप में ये एक एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इनकी तरफ तरफ से आता हुआ दिख रहा है है क्योंकि एक तो आप देख रहे हैं कि कंपनी जो है आगे चलकर बड़े रूप में 5G जी रोल आउट करती हुई दिखेगी जिस तरह से एफ को इनको एक बड़ा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है साथ ही अब आगे चलकर कर करीबन पच्चीस करोड़ रुपए जो इनका प्लान था कि कर्ज के जरिए ये जुटाते हुए नजर आएंगे तो वो भी ऑन द ट्रैक है जून तक एक्सपेक्टेशंस ये थी कि यहां पर ये पैसे जुटा लेंगे तो अभी पूरा का पूरा एक महीना पड़ा है तो उसमें भी यहां पर कंपनी की पॉजिटिविटी नजर आ रही है साथ साथ आप देखिए तो यहां पर अगले 12 से 24 महीनों में इनकी यूबीएस का मानना है कि जो कीमतें हैं वो 15 से 20 परसेंट तक की बढ़त की संभावना है तो अगर ऐसा होता है कि आरपू में बढ़त आपको देखने को मिलती है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इनके कैश फ्लो के परस्पेक्टिव से भी होता हुआ दिख सकता है यही नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एजीआर का जो बकाया है उस पर अगर थोड़ी राहत मिल जाती है तो वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा एंड सबसे क्रक्स और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट को इनको बकाया देना है जो मोरिटोरियम इन्होंने लिया था उस पर अगर राहत मिलती है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कन्वर्जन तो वो एक बड़ा ट्रिगर बनेगा वोडाफोन आइडिया के लिए एक फर्दर ग्रोथ या कैटलिस्ट के परस्पेक्टिव से यही नहीं सरकार ने ऑफकोर्स ये चीज भी बताया था कि तीन प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स वो मेंटेन कर कर रखेंगे आगे चलकर भी और इसी वजह से इनकी जो हिस्सेदारी है यहाँ पर जो मेंटेन की हुई है वो आगे चलकर एक बुलिश इंडिकेशन uh, ये देते हुए नजर आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर वैल्यूशन के परस्पेक्टिव से भी भारतीय एयरटेल और जियो के मुकाबले 26 की बेटा देखेंगे, तो 11 पर ये भी करता हुआ दिख रहा है।, तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और जिस तरह से यहाँ पर एक हिसाब से आप कह सकते हैं वो काफी पॉजिटिव आगे के लिए भी बन सकता है और वो स्टॉक में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कुशल आपके बात करते करते ही हमने देखा कि यहाँ पर पंद्रह का टारगेट जो आज सर ने स्टॉक ऑफ द डे में रिकमेंड किया था सर फाइनली वो भी अचीव होता हुआ दिख रहा है साढ़े की स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी गया आज पूरा टारगेट आ ही गया है और बनेगा और अगर आपने एफ पी ओ पे हमारी राय मानकर पैसा लगाया है तो पच्चीस परसेंट आपके ऑलरेडी बन चुके हैं बारह रुपये वाला पंद्रह रुपये और मुश्किल से महीना भर हुआ है मेरे ख्याल से एफ पी ओ आज ही एफ पी यू के वो शेयर्स रिलीज भी हुए हैं कुछ जो आज ही मैंने ट्रिगर्स में देखा भी था कि वोडाफोन आइडिया के एफ पी ओ में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनके जो एक महीने का पीरियड होता है न, वो शेयर आज आप ट्रेड भी कर सकते हैं ये भी होता हुआ दिखा तो कुल मिलाकर अच्छे एक्शन में आपको दिख रहा है वोडाफोन आइडिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए इसमें कोई डाउट नहीं है रखिए अभी तो शुरुआत हुई अभी है अभी काम तो नहीं अभी तो शुरुआत हुई तो है वोडा आइडिया आज के लिए दिन के लिए टारगेट्स आपके लिए हो गए वो अलग बात है बाकी तो ठीक है